नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 22 अप्रैल 2018। स्वागत है आपका पहली बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। इस वीडियो में हम 21 अप्रैल और 22 अप्रैल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप के बारे में है, यानी आईस्टेम। बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। पिछले कुछ सालों में सरकार ने रिसर्च पर अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया है। हालांकि ये बात सच है कि अभी भी सरकार रिसर्च पे बहुत कम खर्च करती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज जरूर हुआ है। लेकिन रिसर्च पर ये जो खर्च सरकार करती है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है, मतलब सिस्टमैटिक ढंग से फंडिंग नहीं की जा रही है सरकार के द्वारा और रिसोर्सिस को अच्छे से यूज नहीं किया जा रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ए इंस्टीट्यूशन है, सरकार ने पैसे दिए ए इंस्टीट्यूशन को कि आप लैब इस्टेब्लिश कीजिए, हम आपको पैसा देते हैं जीन्स को स्टडी करने के लिए। लेकिन ए इंस्टीट्यूशन से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक और रिसर्च का संस्थान है, यह भी सरकार से मांग कर रहा है कि हमें भी आप पैसे दीजिए ताकि हम जीन्स की स्टडी के लिए लैब इस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि इनको पता नहीं है कि इनसे 200 किलोमीटर जो दूर संस्थान है वहां पर भी आप जीन्स की स्टडी कर सकते हो। तो फिर फायदा क्या सरकार से दोबारा पैसा मांगने का जीन्स की स्टडी करने के लिए, लैब इस्टेब्लिश करने के लिए। तो देखो, अब सरकार ने एक पोर्टल इस्टेब्लिश किया है। इस पोर्टल पे ना सारी जानकारी होंगी कि हमारे देश में कहां कहां पे किस चीज की स्टडी के लिए रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल है, ताकि विभिन्न इंस्टीट्यूशंस आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकें। ए इंस्टीट्यूशन बी को कहेगा, नहीं, इस केस में बी ए को कहेगा कि आपके पास लैब है, हमको कुछ स्टडी करनी है जीन्स पे, आप हम आपकी ही लैब में स्टडी कर लेंगे। उसी प्रकार से अगर कोई महंगा इक्विपमेंट होगा तो उस इक्विपमेंट को भी शेयर कर सकेंगे आपस में इंस्टीट्यूशंस। समझ गए, ये पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया है, इसी का नाम है आईस्टेम। ये किया गया है सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थित है। इस संस्थान ने इस पोर्टल का निर्माण किया है। आप एक बार पोर्टल पर नजर भी डाल लीजिए, ये पोर्टल है आईस्टेम। मैप में सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध होगी, कौन सी रिसर्च फैसिलिटी देश के कौन से हिस्से में उपलब्ध है, कौन सा महंगा इक्विपमेंट कौन सी रिसर्च फैसिलिटी पे उपलब्ध है, उसी के हिसाब से रिसर्चर्स इन महंगे इक्विपमेंट्स को और महंगी फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस की सहायता से। टाइम स्लॉट बताएंगे कि हमें इस टाइम में ये रिसर्च फैसिलिटी चाहिए या फिर ये इक्विपमेंट चाहिए, तो वो इंस्टीट्यूशन जहां पे रिसर्च फैसिलिटी या फिर इक्विपमेंट है वो बता देगा इस टाइम स्लॉट में हमारे पास ये रिसर्च फैसिलिटी खाली है या नहीं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एक स्पेसिफिक एस्ट्रॉइड के बारे में है, नाम है 2008 TC3। पहले इसी एस्ट्रॉइड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये एस्ट्रॉइड 2008 TC3 80 मेट्रिक टन का, 4.1 मीटर का डायमीटर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इस एस्ट्रॉइड ने एंटर किया 7 अक्टूबर 2008 को। एस्ट्रॉइड के बारे में आपको पता है, रॉकी प्लैनेटरी बॉडीज होती हैं, प्लैनेट नहीं होते लेकिन रॉकी प्लैनेटरी बॉडीज होती हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो ये जो एस्ट्रॉइड था वो अर्थ की तरफ आया 7 अक्टूबर 2008 को, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया और जब नूबियन डेजर्ट के 37 किलोमीटर्स की हाइट पर था तो एक्सप्लोड कर गया, फट गया ये एस्ट्रॉइड। आप नूबियन डेजर्ट की लोकेशन पर नजर डाल लीजिए, सूडान में है नूबियन डेजर्ट, नील नदी और रेड सी के बीच में आता है मेनली। ये देखो, पूछ सकती है नूबियन डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, और मेनली देखो ये साइज कितना है, हाइट कितनी है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी एक सिंपल चीज पूछेगी, 2008 TC3 रिसेंटली वाज इन न्यूज, क्या है ये, एक नया खोजा हुआ एक्सोप्लैनेट है, एस्ट्रॉइड है, मीटियोरिट है, क्या है? तो याद रखिएगा एस्ट्रॉइड है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2008 में जब ये नूबियन डेजर्ट के 37 किलोमीटर की हाइट पर था तो फट गया, और फटने के बाद डायमंड की तरह एक मटेरियल निकला इस एस्ट्रॉइड से। अब यूरोपियन एक रिसर्चर्स की टीम है, उन्होंने स्टडी किया है उन डायमंड्स को जो निकला था इस एस्ट्रॉइड के फटने के बाद। इन रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में पाया कि यह एस्ट्रॉइड बिलियंस ऑफ ईयर अगो, यानी अरबों साल पहले, प्रोटोप्लैनेट्स का पार्ट रहा होगा। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अरबों साल पहले सोलर प्लैनेट सिस्टम में 8 के बजाय 10 प्लैनेट थे, 10 प्रोटोप्लैनेट्स थे बिलियंस ऑफ ईयर अगो, लेकिन कुछ उथल पुथल हुई हमारे सोलर सिस्टम में और 10 की जगह जो प्लैनेट्स थे उनकी संख्या घट गई। कुछ समय पहले तक 9 प्लैनेट्स बिलीव किए जाते थे, लेकिन अब प्लूटो को प्लैनेट नहीं बिलीव किया जाता, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। तो 8 प्लैनेट्स हैं अभी हमारे सोलर सिस्टम में। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि जिस प्रकार का डायमंड निकला है इस एस्ट्रॉइड के फटने से, वो डायमंड तो तभी बन सकता है
जब उतना प्रेशर लगाया जाए जितना प्रेशर पुराने समय में प्रोटो प्लैनेट्स जो आज के समय में खो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, उन प्रोटो प्लैनेट्स पे जो प्रेशर था उसी की सहायता से इस प्रकार का डायमंड बन सकता है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो पुरानी थ्योरी में साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि पहले 10 प्लैनेट हुआ करते थे लेकिन कुछ उथल पुथल हुआ और आज के जो प्लैनेट्स हैं वो उन्हीं 10 प्लैनेट्स में से टूट फूट के बने, तो वो थ्योरी बिल्कुल सही है। क्योंकि अब जो ये एस्टेरॉयड एक्सप्लोर्ड हुआ उसमें से एक ऐसा डायमंड निकला जो कि उतने प्रेशर से डेवलप हो सकता है जितना प्रेशर आज के समय में जो खो गए प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स पे था। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन फिर से आप एक बार रिवाइंड करके सुनोगे तो आसानी से ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के बारे में है। एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है HEI यानी हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा हर एक साल स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो अब रिसेंटली इन्होंने रिपोर्ट जारी की और इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 2016 में 6.1 मिलियन यानी 61 लाख लोगों की डेथ हो गई एयर पोल्यूशन की वजह से। अभी पूरे वर्ल्ड में 95% जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अनहेल्दी एयर में सांस ले रही है और इंडिया और चाइना में पूरे वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन की वजह से जितनी डेथ्स होती हैं इंडिया और चाइना में मिला के 50% डेथ होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, और इंडिया में तो चाइना से भी ज़्यादा डेथ्स होती हैं समय से पहले ही एयर पोल्यूशन की वजह से। 2016 में 11 लाख डेथ्स हुई इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन देखो चौथा ऐसा रीजन है जिसके कारण वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं। एयर पोल्यूशन से ऊपर है हाई ब्लड प्रेशर, डाइट, स्मोकिंग, इनकी वजह से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं। और चौथे नंबर पे नंबर आता है एयर पोल्यूशन का। 2010 के बाद से ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में हवा की क्वालिटी का जो स्तर है बहुत ज्यादा गिर गया है। तो ये आर्टिकल था स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल सिविल सर्विसेज डे के बारे में है। हर एक साल 21 अप्रैल का जो दिन है वो सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार फोकस दिया गया सिविल सर्विसेज डे पे इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। सरकार ने स्पेशल प्रोग्राम भी चलाया है, आपको पता है 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया गया है, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज यानी मौके बहुत ज्यादा हैं इंप्रूवमेंट के और डेवलपमेंट के। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि 21 अप्रैल को ही क्यों सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है? हुआ क्या था, आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय जो सिविल सर्विसेज के प्रोबेशनर्स थे उनको संबोधित किया था 21 अप्रैल को, तो इसीलिए 21 अप्रैल को ही हर एक साल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिए जाते हैं उन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर इंप्लीमेंटिंग यूनिट्स को जिन्होंने अच्छा काम किया है सरकार के प्रायोरिटी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में या फिर इनोवेशन कैटेगरीज में। तो ये पूरा आर्टिकल था सिविल सर्विसेज डे के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल डिफेंस प्लानिंग कमेटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफेंस प्लानिंग कमेटी का गठन किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अध्यक्षता में। मेंबर्स की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अलावा फॉरेन सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के चीफ्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे वो, इसके अलावा और कोई भी एक्सपर्ट जिसे आइडेंटिफाई करके शामिल कर किया जा सकता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा इस प्लानिंग कमेटी में। अब क्वेश्चन ये उठता है काम क्या होगा इस प्लानिंग कमेटी का? देखो, इस प्लानिंग कमेटी के कई सारे काम होंगे, इवन फॉरेन पॉलिसी से संबंधित भी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाना, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन के लिए ड्राफ्ट तैयार करना। इसके अलावा हमारे देश में डिफेंस सेक्टर से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना, या फिर अगर गवर्नमेंट को आर्मी के लिए या फिर नेवी एयरफोर्स के लिए वेपन्स को प्रोक्योर करना है दूसरे देशों से, तो इस काम में तेजी लाना। काफ़ी बार ये देखने को मिलता है कि सरकार डिसाइड तो कर लेती है कि आर्मी के लिए इन वेपन्स को प्रोक्योर करने की आवश्यकता है दूसरे देश से, लेकिन प्रोक्योरमेंट में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो अब इस प्लानिंग कमेटी में पीएमओ के ऑफिशियल्स होंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से ऑफिशियल्स होंगे, तो बहुत जल्दी इस पूरी प्रोसेस को कैरी आउट किया जा सकेगा। तो डिफेंस संबंधित जो प्लानिंग है वो और अच्छे से हो सकेगी और सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस को अच्छे से एड्रेस किया जा सकेगा। तो ये पूरा आर्टिकल था डिफेंस प्लानिंग कमेटी के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल यूनिफॉर्म रोड टैक्स के बारे में है। कंटेक्स्ट क्या है? रोड मिनिस्ट्री ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था। रोड मिनिस्ट्री ने बोला इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कि आप हमें रिकमेंडेशंस दीजिए कैसे रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए और जिन प्रॉब्लम से आज रोड सेक्टर जूझ रहा है उन प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट किया जाए। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिकमेंडेशन सौंपी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा है पूरे देश में यूनिफॉर्म रोड टैक्स लगाया जाए।
देखो कुछ लोग क्या करते हैं, उस राज्य से गाड़ी को खरीदेंगे जहां पर रोड टैक्स कम लगता है, लेकिन उसको चलाएंगे दूसरे राज्य में। तो इस प्रकार से एनोमलीज काफी ज्यादा हैं पूरे देश में। अगर यूनिफॉर्म रोड टैक्स लगेगा तो इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। एक स्टेट से गाड़ी खरीदना जहां पे टैक्स कम है लेकिन उसको चलाना दूसरे देश में। इसके अलावा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिकमेंडेशंस में यह भी कहा कि पूरे देश में एक ही परमिट सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, प्राइवेट बसेस को रोड पर चलने के लिए हर एक राज्य का परमिट होना चाहिए। जैसे कि मुंबई से गोवा अगर बस जा रही है तो महाराष्ट्र सरकार का भी परमिट होना चाहिए और गोवा सरकार का भी परमिट होना चाहिए। इससे काफी तरह की एनोमलीज पैदा हो जाती हैं। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा कि पूरे देश में एक ही परमिट सिस्टम होगा तो इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर आसानी से मूव हो सकेगा और इवन विभिन्न राज्यों की सरकारों को भी फायदा होगा, उनका भी रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके अलावा रोड पे कंजेशन कम होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा। अब देखो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कंपटीशन बढ़ता है तो रेट्स कम होंगे ट्रांसपोर्टिंग के लिए, रेट्स कम होंगे तो इवेंचुअल फायदा होगा किसको होगा, कंज्यूमर्स को तो ही होगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टिंग के रेट्स कम हैं तो एसेंशियल कमोडिटीज के जो रेट्स हैं वो कम होंगे तो कंज्यूमर्स को फायदा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था यूनिफॉर्म रोड टैक्स के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फिल्म फ्रेंडली अवार्ड के बारे में है। मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया गया है, अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश ने काफी अच्छा काम किया है फिल्म्स की शूटिंग के लिए। वहाँ पे एक अच्छा इकोसिस्टम प्रिपेयर किया गया है मध्य प्रदेश में, स्पेशली वेबसाइट बनाई गई है जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड है। इस बारे में कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर एप्लीकेशन दे सकता है अगर वो मध्य प्रदेश में शूटिंग करना चाहता है। इसके अलावा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया है मध्य प्रदेश में मूवीज़ की शूटिंग के लिए और इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। तो ये सब काम मध्य प्रदेश ने किए हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। इसके अलावा उत्तराखंड को भी स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी उत्तराखंड के प्रयासों को भी सराहा गया है। उत्तराखंड ने काफ़ी प्रयास किए हैं ताकि उत्तराखंड को भी एक फिल्म फ्रेंडली स्टेट बनाया जा सके, वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार किया जा सके मूवीज़ की शूटिंग के लिए। लास्ट में जूरी के बारे में बताया गया है, जिस जूरी ने इस अवॉर्ड के लिए मध्य प्रदेश का नाम सिलेक्ट किया उस जूरी के चेयरपर्सन थे रमेश सीपी, जिन्होंने शोले फिल्म को डायरेक्ट किया था। इसके अलावा और भी काफी फेमस फिल्म मेकर्स थे, इंपॉर्टेंट नहीं है ये फैक्ट। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल कायाकल्प अवार्ड्स के बारे में है। कायाकल्प अवार्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिए जाते हैं उन हॉस्पिटल्स को या फिर उन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को जो अच्छा काम करते हैं, जो अपने हॉस्पिटल्स में हाइजीन, सैनिटेशन, क्लीनिनेस ये सब चीजें मेंटेन करते हैं। मकसद ये है कि एंकरेज किया जा सके हॉस्पिटल्स को, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को, कि वो अपने हॉस्पिटल्स में क्लीनिनेस रखें, यानी साफ सफाई रखें पब्लिक स्पेसेस में, ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना फैले। इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 15 मई 2015 को स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। तो ये पूरा आर्टिकल था कायाकल्प अवार्ड्स के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आई स्टैम के बारे में डिस्कस किया, विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन सी रिसर्च फैसिलिटीज उपलब्ध हैं या फिर कौन से एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं, उन सब की जानकारी मिलेगी इस पोर्टल पे आई स्टैम पे, ताकि विभिन्न इंस्टीट्यूशंस आपस में रिसर्च के लिए कोलाबरेट कर सकें और एक दूसरे की रिसर्च फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकें। उसके बाद एक्सप्लोडेड एस्ट्रॉइड के बारे में हमने डिस्कस किया, एस्ट्रॉइड का नाम था 2008 TC3, नूबियन डेजर्ट की लोकेशन भी जानी। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद सिविल सर्विसेज डे के बारे में जाना, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को। उसके बाद डिफेंस प्लानिंग कमेटी के बारे में डिस्कस किया, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा डिफेंस प्लानिंग कमेटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अध्यक्षता में बनाया गया है डिफेंस प्लानिंग कमेटी को। उसके बाद हमने यूनिफॉर्म रोड टैक्स के बारे में चर्चा की, किसने रिकमेंड किया है यूनिफॉर्म रोड टैक्स के बारे में। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था रोड मिनिस्ट्री के द्वारा, उन्होंने रिकमेंड किया है पूरी देश में यूनिफॉर्म रोड टैक्स लगना चाहिए और एक ही परमिट सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद कायाकल्प अवार्ड्स के बारे में जाना और उससे पहले हमने फिल्म फ्रेंडली अवार्ड के बारे में भी जाना था। यह थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।